नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। लगातार प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने प्रत्याशियों से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने चुनाव पंचायत को लेकर क्या कहा। आज हम जीवनवाला ग्राम पंचायत में हैं, जहाँ से प्रधानी पद के लिए एक महिला, कमट महिला खड़ी हो रही हैं, जिनका नाम है कमलजीत कौर। उन्हीं के घर में हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से, किन मुद्दों को लेके वो जनता के बीच आई हैं और किस चीज़ पे उनका फोकस है, सारी बात करते हैं। स्वागत है आपका समाचार इंडिया। नमस्कार जी। ये बताइए कि किस मुद्दों को लेकर मेन आप जनता के बीच आई हैं प्रधान के लिए? मेरा मेन मुद्दा यही है कि मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सड़कें या बिजली या पानी, मेरा मेन मुद्दा जो है नशे को लेके है। नशा, बच्चे जो आज बेरोजगार हो रहे हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी घर में बैठी हैं, उनके पास कोई ऐसा काम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ तो महिलाओं को जागरूक भी करूँ, उसे किसी रोज़गार से उन्हें जोड़ूँ। बच्चे आज नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उस नशे को हटाऊँ अपने गाँव से, और जो लोग इस नशे को इस गाँव में लेके आ रहे हैं तो उन लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंकने की हिम्मत रखती हूँ अगर मैं प्रधानी बनती हूँ। और आप सबका, जैसे मेरे बहनें हैं, मेरे को सहयोग करें, तो मैं वो लोग जो आज कहने के लिए तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं जी, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है वो मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर सब मेरा साथ दें तो मैं उन लोगों के सामने बिल्कुल उनको ऐसा कर दूँ कि बस ऐसे शब्द बोल नहीं सकती मैं जो कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, ये आपको जो राजनीति में पहली सीढ़ी है ये प्रधानी के लिए, आपके प्रधान जरिए आ रही हैं, तो कहाँ से ये सीख मिली आपको राजनीति की, कौन इसके पीछे? जी, भाई साहब, इसमें मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। वो समाज सेवी भी हैं और देखा जाए तो 5 साल उन्होंने प्रधानी किए। पूर्व प्रधान श्री इंद्रजीत सिंह वो मेरे पति हैं, और उनको देखा देखी, उनके नक्शे कदम पे चल के मैंने राजनीति में सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा राजनीति करके देखूं। लोग राजनीति करते हैं सिर्फ अपना, और अपना सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने आप को भरने के लिए, अपने बच्चों के लिए, मतलब लोग जितना भी हमारा बजट आता है उसमें से आधा बजट अपनी जेब में डालने के लिए। मेरी धारणा है कि अगर हमारे पास कोई बजट आता है तो उस बजट को हम समाज के कामों में लगाएं, और जो पैसा जिस चीज़ में आया उसमें वहाँ खर्च करा जाए। जी, तो आप जो जनता के बीच जा रही हैं तो किस तरह से अपनी बात को रख रही हैं अपने जो पंचायत क्षेत्र हैं उनकी? उसके लिए मैं भाई साहब इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आज मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ तो ज़्यादा योगदान तो महिलाओं का ही है। अगर आज मैंने रुचि दिखाई है, वैसे मैं राजनीति करना नहीं चाहती क्योंकि समाज सेवा करने के लिए राजनीति करना बहुत ज़रूरी नहीं होता। समाज सेवा तो हम किसी की ऐसे भी कर सकते हैं ना, रास्ते में अगर कोई चलता, अगर हम उसे थोड़ा रास्ता बता देंगे तो ये थोड़ा कि वो राजनीति हो गई। लेकिन थोड़ा सा प्रयास रहा कि महिलाओं को साथ में जोड़ा, समूह बनाए, समूह चलाए, गांव में संगठन बनाए, क्लस्टर में सर मैं उसमें अध्यक्ष हूँ ग्राम संगठन में भी, और क्लस्टर में मैं सचिव हूँ, महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी हूँ। तो मेरा फोकस ज़्यादातर महिलाओं की तरफ रहा, क्योंकि जो महिलाएँ ज़्यादा परेशान रहती हैं परिवार से, या बेटियाँ हैं, कई बेटियाँ मेरे पास ऐसे केस भी आते हैं कि जो ससुराल से मतलब बहुत बुरा हाल करके उनको मायके भेजा जाता है। तो मेरा प्रयास दो जगह पर इतना अच्छा रहा कि मैंने उन बेटियों को उसी घर में वापस भेजा। और मैं ये मीडिया में प्रचार नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि कोई भी काम ऐसा करा जाता है जो पर्दे के पीछे हो, क्योंकि मीडिया में प्रचार वो लोग करते हैं जिनको अपने आप को ज़्यादा मतलब हाईलाइट करना होगा। मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि अपने काम से, मैं अपने काम से इतनी वो हूँ कि अगर मैं किसी के घर में जाती भी हूँ तो लोग मेरे नाम से मुझे पहचानते, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैम, ये बोलने की कला आपको कहाँ से सीख मिली, ये जो वाकपट होता है? वैसा मैं, ये बोलने की कला तो हर इंसान के अंदर होती है, वो हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि अगर हम 4 लोगों के बीच में बैठते हैं तो ऐसा होता है कि शुरू शुरू में हम अपना नाम लेते भी घबराते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि क्या बोलें। लेकिन मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं राजनीति करूं, और जो महिलाएं आज के टाइम पे अपने घर से बाहर नहीं निकली हैं, और नाम लेना तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कभी अपना दरवाज़ा भी, मतलब ये नहीं कि गलियाँ क्या चीज़ होती हैं, उन गलियों को भी नहीं देखा। लेकिन आज के टाइम पे कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अब नए नए चेहरे उठ रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए सब एक बराबर है। महिला चार इंडिया के माध्यम से ये अपने पंचायत क्षेत्र के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो मेरा सपोर्ट करते हैं तो ये गलियाँ सड़कें ये सब कुछ तो एक बात है, मैं उनके बीच में वो सब कुछ मेन मतलब है कि रोजगार, जो लोग बेरोजगार हो गए उनके लिए रोजगार क्या लाना है हमें, उस रोजगार के लिए सर मेरा पहला कदम यही है कि मैं महिलाओं को, बच्चों को और जो बुजुर्ग, जो पेंशन, हाँ मेरे पास में ज़्यादातर बातें क्या आती हैं कि प्रधान हमारी पेंशन नहीं लगाते हैं,
तो मेरा मेन, मैंने तो उनके लिए लिस्ट भी तैयार, मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, जीत हार का मुझे कोई वो नहीं है, मैं जीत भी सकती हूँ, मैं हार भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपनी हार को पहले लेके चल रही हूँ, जीत को लेके नहीं चल रही हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं जीत जाती हूँ फिर तो मैंने बहुत कुछ करना है, अगर मैं हार भी जाती हूँ तो भी मुझे कोई शिकवा नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर मैं हार भी जाऊँगी तो जो महिलाएं जो पुरुष मुझे वोट देंगे तो मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँगी, बगैर पद पर रह के भी करूँगी, क्योंकि मैंने इतना अपने लिए, मतलब अपने लिए वो ज़मीन तैयार करी हुई है कि अगर मुझे कहीं जाना है तो लोग मेरे नाम से मुझे पहचानते हैं। मैं लोग को साथ लेके चलने में विश्वास नहीं रखती हूँ, अकेले मैंने अपने लिए जो मंजिल मुझे मिलनी चाहिए मैं अकेले ही तय करूँगी, मैं किसी को साथ लेके चलने में विश्वास नहीं रखती हूँ। रोजगार लाना और नशे को दूर भगाना, दो इनके मुख्य बिंदु हैं जिसको केंद्र में रखकर ये प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना है कि जनता इन मुद्दों को लेकर इनको कितना सपोर्ट कर पाती है। कैमरा पर्सन गुड्डू अंसारी के साथ सबर कमाल, समाचार इंडिया।